नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि किस राशि वाले को कौन सी बीमारी परेशान कर सकती है, यानी किस राशि पर किस बीमारी का प्रभाव ज्यादा होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि आज यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, यदि आप कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको सफलता मिले। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान में जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा। इसके साथ ही आपका राशिफल होगा और लकी नंबर के अनुसार आज का लक भी होगा। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 8:04 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र सायंकाल 4 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 से 4:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस राशि वाले को किस तरह की बीमारी हो सकती है। पंडित जी, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि वालों को किस बीमारी से सावधान रहना चाहिए, कौन सी बीमारी उन्हें परेशान कर सकती है? प्रवीण जी, हर राशि का एक स्वभाव है, उसका शारीरिक गठन है, शारीरिक संरचना है और उसका मेटाबॉलिज्म है, जिसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कैसी बीमारी होने की संभावना बनती है। देखिए, मेष राशि अग्नि की राशि है, तो अग्नि तत्व की समस्याएं ज्यादा होती हैं, जैसे रक्त की समस्या, चोट चपेट की समस्या, सर्जरी की समस्या, ये मेष वालों को ज्यादा होती है। बीमार कम होते हैं, दुर्घटना के शिकार ज्यादा होते हैं। मेष राशि के लोगों को सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर मेष राशि के लोग सूर्य भगवान की उपासना करें तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। वृषभ राशि के लोगों में पृथ्वी तत्व की बीमारियां, जैसे त्वचा की समस्या हो गई, कान नाक गले की समस्या हो गई, थायराइड की समस्या हो गई, ये वृषभ वालों में ज्यादा होती है। वृष राशि के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, इससे इनका कल्याण और मंगल होता है। साथ ही साथ वृष वालों को पानी भी खूब पीना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को वायु तत्व की जो बीमारियां हैं, जैसे भ्रम की बीमारी है, दुविधा की बीमारी है, सांस लेने की समस्या है, कान नाक गले की समस्या है, नर्व की प्रॉब्लम है, ये मिथुन वालों को ज्यादा होती है। मिथुन राशि के लोगों को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, नियमित रूप से मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा होगा। और जितना संभव हो मिथुन वालों को मीठा कम खाना चाहिए। अगर मिथुन राशि के लोग इस बात का ध्यान रखें तो सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। तो देखिए, मेष वाले, वृष वाले और मिथुन वाले अपने टेम्परामेंट और टेंडेंसी के हिसाब से बीमार पड़ते हैं, और छोटे से उपाय करें तो निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी,
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता आज ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस राशि के लोगों को कौन सी बीमारी परेशान कर सकती है। पंडित जी, कर्क सिंह कन्या, इन राशि वालों की क्या विशेषताएं होती हैं और इनको किस तरह की बीमारी हो सकती है? देखिए, कर्क सिंह कन्या में सबसे सेंसिटिव राशि है कर्क। बीमारी की संभावना कर्क में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम कर्क सिंह और कन्या राशि की बात करें तो कर्क वालों को सबसे ज्यादा बीमारियां मन की होती हैं, मानसिक होती हैं, और इनको पेट की समस्या, डाइजेशन की समस्या ज्यादा परेशान करती है। मन परेशान होता है, डाइजेशन परेशान करता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी कर्क वालों को काफी परेशान करती है। कर्क राशि के लोगों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए और जितना संभव हो जीवन में सफेद रंग का प्रयोग करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वालों को अग्नि तत्व की समस्या, जैसे हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और दुर्घटना परेशान करती है। सिंह वालों के साथ भी दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं या हड्डियों में दिक्कतें ज्यादा होती हैं। इस राशि के लोगों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और जहां तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से इनको बचाव करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों की समस्याएं पृथ्वी तत्व की समस्याएं हैं, अर्थियल एलिमेंट की समस्या, जैसे एलर्जी जल्दी होगी, स्किन की प्रॉब्लम जल्दी होगी, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत होगी। कभी कभी पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि ये स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, वो भी बीमारी का कारण बनता है। कन्या राशि वालों को ढेर सारे पौधे लगाने चाहिए। कन्या राशि के लोग ढेर सारे पौधे लगाएं और अपने बुजुर्गों की अगर सेवा करें
तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस छोटे से काम से ये निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा लाल, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान करके चलें तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप कैसे पूछें आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी आज बताएंगे कि यदि आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं आज, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, या इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको सफलता मिले, परेशानी ना आए। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान देखिएगा आगे, जिसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही ऐसा क्यों आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी हर दिन महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दीजिए। पंडित जी, सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न रंजन शर्मा जी का है, झारखंड से लिखते हैं। 23 जनवरी 1970 का जन्म है, 10:20 प्रातः, धनबाद, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि नौकरी के लिए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और नौकरी का आदेश कोर्ट से पारित हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या भविष्य होगा और नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी? रंजन जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कर्क राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। जुलाई 2024 के बाद इस बात की संभावना बनती है कि जो फैसला हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और नौकरी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। जुलाई 24 के बाद ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। जहां तक भविष्य की बात है,
आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय धन और करियर के लिए अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी किस राशि वाले को ज्यादा परेशान करती है। पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की क्या विशेषताएं होती हैं और इनको किस तरह की बीमारी परेशान कर सकती है? धनु राशि प्रवीण जी बड़ी स्ट्रेंथ वाली राशि है और आम तौर पर बड़ी मजबूती से चीजों को फेस करने की ताकत धनु राशि के अंदर पाई जाती है। अगर हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बीमारियों की बात करें तो तुला राशि वालों की समस्याएं वायु प्रधान होती हैं, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, खर्राटे लेने की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन, ये तुला वालों को ज्यादा होता है। बेवजह का पैसा खर्च करना, बेवजह रोमांटिक हो जाना, ये भी इनकी एक बड़ी समस्या है। तुला राशि वालों को भगवान शनि की उपासना करनी चाहिए। जितना शनि देव की उपासना करेंगे उतना ही बेहतर होगा और बेवजह अपना समय और श्रम व्यर्थ के प्रेम के चक्कर में ना बर्बाद करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले हार्मोनल इंबैलेंस के शिकार जरूर होते हैं। बेवजह का वजन परेशान करता है, फैमिली लाइफ में दिक्कत आती है, हार्मोन की, वजन की, फैमिली लाइफ की दिक्कत इनको परेशान करती है। सर्दी जुखाम भी इनको जल्दी होता है। वृश्चिक राशि वाले अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करें और नियमित रूप से ल्यूक वार्म मिल्क, गुनगुना दूध रात को सेवन करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि मजबूत स्ट्रेंथ वाली राशि है, बावजूद इसके धनु वालों को मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकती है, हड्डियों की समस्या, बड़ बोलापन इनकी एक बड़ी कमजोरी है। मधुमेह, डायबिटीज और आंखें, ये तीन चीजें इनको परेशान करती हैं, हड्डियों में दिक्कत भी हो सकती है। अगर आप धनु राशि के हैं तो भगवान सूर्य को निरंतर जल अर्पित करिए, अच्छा होगा, और शारीरिक परिश्रम करिए, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क करने से आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। इस समय कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी।
किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति होगी, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। हनुमान जी की अगर पूजा करें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस राशि वाले को किस तरह की बीमारी परेशान कर सकती है, राशि अनुसार बीमारियों का क्या कनेक्शन है ये जान रहे हैं। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को किस तरह की परेशानी अक्सर होती है? अब मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं, मीन के स्वामी है बृहस्पति, तो मकर कुंभ वालों की राशि का स्वामी एक होने के बावजूद बीमारी की टेंडेंसी अलग अलग है। अगर हम मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करें, मकर की बात करें, तो मकर वालों की समस्या होती है कंफ्यूजन की, दुविधा की, गले की, हार्मोन्स की, ये प्रॉब्लम मकर वालों को ज्यादा होती है। और उम्र बढ़ने पे शरीर के जोड़ों में दर्द भी बहुत होता है। मकर वाले कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो भगवान शिव की पूजा करिए और अहंकार से बचिए। आपका ईगो, आपका अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुंभ राशि वालों को हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या, डिप्रेशन और अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में बीमार होने की समस्या ज्यादा होती है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें और हल्के नीले रंग का प्रयोग करें, लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि वालों को पेट की समस्या, डायबिटीज की समस्या, आंखों की समस्या परेशान करती है और अक्सर इनकी शिक्षा में बाधा भी आती है। मीन वालों को अपने खान पान की आदत को ठीक रखना चाहिए और थोड़ा समय निकालकर ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की भी एक पत्नी है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, दक्षिण भारत में हनुमान जी की पत्नी का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। ऐसा प्रसंग में आता है कि हनुमान जी जब सूर्य देव से शिक्षा ले रहे थे तो कुछ विशेष तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता थी। ऐसे में उन्होंने भगवान सूर्य की पुत्री सुवर्चला से एक, समझ लीजिए, एक प्रासंगिक विवाह किया, उस प्रसंग के लिए एक विवाह कर लिया। जब वो शिक्षा पूर्ण हो गई तब सुवर्चला भी तपस्या में चली गई और हनुमान जी भी राम जी के कार्य में चले गए। तो हनुमान जी, वैसे तो कहा जाए तो सुवर्चला उनकी पत्नी है, हनुमान जी का विवाह किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन वो हैं बाल ब्रह्मचारी ही। तो आप ये समझिए कि वास्तव में पूरी रूप से वो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन शिक्षा की एक विशेष स्थिति के लिए उन्होंने सुवर्चला से विवाह किया था।
अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें, खो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। नंबर 2, बेवजह की चिंता आज हो सकती है। नंबर 3, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, वाद विवाद से इस समय बचाव करें। नंबर 5, आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। नंबर 6, आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। नंबर 7, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 8, किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। और नंबर 9, आज चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा, उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप शुभ समय में ऐसा करते हैं तो करियर में चली आ रही बाधाएं दूर होंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं?
आज का दूसरा प्रश्न भूपेंद्र सिंह जी ने हमें लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 16 अगस्त 1988 का जन्म है, 2:10 AM जन्मस्थान है रायबरेली उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या बहुत है, भविष्य क्या है मेरा और समाधान क्या है। भूपेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में जिस शादी के बारे में आप पूछ रहे हैं उसके चलने की कोई संभावना नहीं है, यानी जिस विवाह के बारे में आपका प्रश्न है उसमें डिवोर्स होने के या सेपरेशन होने के चांसेस बनते हैं और आगे 2025 के अंत में आपका दूसरा विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा के साथ। देखिए, आपकी कुंडली में आने वाले समय में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए तो मुझे लगता है चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बारी आ गई सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो आप गुड़ खा करके घर से जाइएगा, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक तांबे का सिक्का रखिएगा, सफलता मिलेगी। अगर आपको चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल आदि जाना है तो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके तब जाइएगा। अगर आज कोई खरीदारी करनी है, मार्केटिंग करनी है, जमीन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है तो नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ रखिएगा। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और कौन सी राशि वालों को सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, अपने महत्वपूर्ण प्रयास करिए और आज जो भी काम आपको कठिन लगता है करने की कोशिश करिए, काम बनेगा आपका। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि के लोगों को, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंता हो सकती है और धन का नुकसान हो सकता है, सावधान रहेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।